आजमगढ़ जनपद से जहां भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने आजमगढ़ नगर के बूथ संख्या 164 से दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने दीवार पर स्वयं एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे को लेकर कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर दीवार लेखन का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल और जिला अध्यक्ष लालगंज सूरत प्रकाश श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के साथ सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने तीर्थ मंदिर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बड़ा गणेश मंदिर की साफ सफाई किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को प्रचार प्रसार को गति देते हुए दीवार लेखन कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके कुछ देर बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दीवार लेखन कर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। आज गोरखपुर क्षेत्र में प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़ जनपद के बूथ नंबर 164 और 153 से दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे भाजपा के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में दीवार लेखन का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अब तक देश के विकास, गरीब कल्याण, जन जन के उत्थान का जो कार्य किया है उससे जनता का विश्वास मोदी सरकार पर और दृढ़ हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में जन सहयोग से एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चुनाव में भाजपा के प्रचार प्रसार को और गति देने के लिए आज गोरखपुर क्षेत्र में आजमगढ़ से आज दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस अवसर पर श्याम नारायण सिंह महंत, राजेश मिश्रा, सुनील राय, अवनीश मिश्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता, राजन उपाध्याय, धर्मेंद्र सिंह, विवेक निषाद, धर्मवीर चौहान, अवनीश चतुर्वेदी, संतोष चौहान व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2024 को ध्यान में रख करके अपने संगठन की सारी चीजों को सुदृढ़ कर रही है और स्वाभाविक तौर पे हम प्रचारात्मक व्यवस्था को अपने भारतीय जनता पार्टी को, अभी आपने देखा है कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वॉल राइटिंग की है और उसके बाद 2 घंटे बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम आगे शिफ्ट वाइज ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आज सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने स्थानों पे जाकर के एक जगह फिर से वॉल राइटिंग करेंगे, फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिख करके आगामी दिनों में 2014 से जो इस जनता का आशीर्वाद मिला था और 2024 में आप हम सब खड़े हैं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन माननीय मोदी जी को बनाने के लिए संकल्पित है, तो पूरे देश की जनता भी उनके साथ खड़ी है। फिर भी ये प्रचारात्मक व्यवस्था है और हमारे जो संगठन की तरफ से बना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के पदाधिकारी, कल सभी हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनको करना है 18 तारीख को हमारे सभी जिले के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष अपने अपने बूथों पर जाकर के वॉल लाइटिंग करेंगे, फिर से मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार का स्लोगन लिख करके और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है उसको हम सब लोगों ने प्रारंभ किया।